हमारे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने आपके यहाँ से भाई रतन देवासी जी को कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित किया है। रतन देवासी जी नौजवान है, पहले मेरे साथ में जब एमएलए बने थे तो मैंने इनको पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाया, राज्य मंत्री का दर्जा दिया। दुर्भाग्य से पिछला चुनाव जीत नहीं पाए। ये रायका समाज से हैं और रायका समाज को पहली बार टिकट मेरे वक्त में मिला इतिहास के अंदर। 50 साल में पहली बार टिकट मिला। पहला टिकट तो कामयाब नहीं हुआ पर दूसरा टिकट कामयाब हो गया। पर रायका समाज को उसके पहले किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया था, कांग्रेस ने टिकट इनको दिया। बाद में तो बीजेपी ने खड़ा कर दिया उम्मीदवार, वो जीत भी गए। पर कांग्रेस ने रायका समाज को, देवारी समाज को पहला टिकट दे के आज़ादी के बाद में बोनी कांग्रेस ने कराई थी, ये आपके ध्यान में रहना चाहिए हमेशा। और एक नौजवान है जिसको आशीर्वाद सबका मिला हुआ है, ऐसा आदमी अगर जीत के जाएगा तो चुनाव जीतने के बाद में भी आपके बीच में आता जाता रहेगा, छत्तीसगढ़ कौम की सेवा करेगा, आपके सुख दुख में साथ निभाएगा और सिरोही जालौर की समस्याओं को दिल्ली की पंचायत में उठाएगा और विकास में भागीदार बनेगा। यही देखा जाता है एक उम्मीदवार के अंदर। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि हम सब लोग जमानत देना है कि रतन देवासी को सब मिलकर छत्तीसगढ़ कौम उनको अपना समर्थन दें, सहयोग दें, आशीर्वाद दें, विश्वास प्रकट करें और हाथ के निशान वाला बटन दबाएं 29 तारीख को। ये हमारी अपील आपसे है। राजस्थान सरकार भी बनी है, बनते ही हमने कई फैसले किए हैं जो भी बता रहे थे मेरे पूर्व वक्ता। कर्जा माफ किया है हमने, कोऑपरेटिव बैंक का कर्जा माफ किया, भूमिकार बैंक का कर्जा माफ किया और जो राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं उनसे बातचीत चल रही है हमारी। चुनाव तक रोक लगी हुई है फैसला करने में, चुनाव खत्म होते ही बातचीत करके जो कर्जे बच गए 2 लाख तक के कर्जे जहाँ एनपी हो गया उन सब के कर्जे माफ किए जाएंगे, ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। इस प्रकार हम लोगों ने अभी पचास टाइम लोडा जी ने आपको बिजली के बिल माफ कर दे, बिजली का शुल्क लगेगा नहीं, बिजली नहीं पानी का बिल आएगा नहीं। बिजली का बिल तो आ रहा है तो हमने वादा किया आपसे 5 साल तक बिजली की दरें नहीं बढ़ेगी, 5 साल तक दरें कोई नहीं बढ़ेगी। तो पानी के बिल हमने हमेशा के लिए समाप्त कर दिए गाँव के अंदर, और शहरों में बहुत मामूली बिल आएंगे वो हम चुनाव के बाद में बात करेंगे क्या करना है। इस प्रकार से बेरोजगारी के लिए हमने भत्ते देने की बात करी 3,000 रुपये नौजवानों को, और अगर बेरोजगार महिला है या कोई दिव्यांग है तो 3,500 रुपये उनको मिलेंगे। फैसले करने में सरकार ने कोई कमी रखी नहीं, कोई 15-20-25 फैसले हमने किए हैं। 2 रुपये किलो जो अनाज मिलता है वो हमने बीपीएल के लिए, स्टेट बीपीएल के लिए 1 रुपये किलो कर दिया। तो किसानों की बात हो, दूध उत्पादक जो लोग हैं, पशुपालक रखते हैं उनको 2 रुपये प्रति लीटर दूध का सरकार बोनस दे दी, ये फैसला पहले हमने किया था, हमने वापस रिपीट कर दिया। पिछली गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था, हमने वापस चालू कर दिया है। दवाई हम 600 दवाई दे रहे थे, उस स्कीम को कमजोर कर दिया भारत पिछली सरकार ने। अभी हमने फैसला किया है दवाएं फ्री मिले आपको, टेस्ट फ्री, चाहे वो सोनोग्राफी हो, चाहे वो डायलिसिस हो, चाहे खून की जांचें हो, और हम उसको बढ़ा रहे हैं आने वाले वक्त के अंदर। अभी 3 दवाएं और जोड़ी है, एक तो किडनी वाली, एक हार्ट की और एक कैंसर की, बहुत महंगी दवाएं होती है उसकी, आदमी बर्बाद हो जाता है। इसलिए हमने कहा 3 दवाएं फ्री मिलेगी आपको राजस्थान के अंदर, कोई तकलीफ नहीं आएगी आपको। इस प्रकार से कई फैसले हुए हैं। अभी तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी ने जो स्कीम लेके आए हैं न्याय,
प्रत्येक परिवार को 6000 रुपए मिलेंगे प्रति माह, 72000 मिलेंगे प्रति वर्ष मिलेंगे। गरीबी कैसे दूर हो देश के अंदर, उसके लिए ये बहुत ऐतिहासिक घोषणा की गई है कांग्रेस मैनिफेस्टो के अंदर। आपसे मैं अपील करूंगा कि घोषणा पत्र को आप देखें, अखबार में आया भी होगा, उसका आप चिंतन करें, मनन करें। शानदार घोषणा पत्र कांग्रेस का है और उसमें ये भी कहा है किसानों के लिए अलग बजट पेश होगा। बहुत बड़ी घोषणा है जिसमें पार्लियामेंट के अंदर रेलवे का बजट प्रस्तुत होता था पहले। किसानों की जितनी समस्याएं, जितनी तरह की समस्याएं हैं, उन पर पूरी बहस होगी पूरे पार्लियामेंट के अंदर, पूरे बजट पास बाद में होगा, पहले बहस होगी। इस प्रकार से किसानों की समस्याओं को राहुल गांधी जी के मैनिफेस्टो में बहुत तवज्जो दी गई है, ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। बाकी तो 32 लाख नौकरियां पेंडिंग पड़ी है देश में, उसको भरेंगे आते ही अगले साल तक, ये वादा किया गया है। वादे कई किए गए, हमारे मैनिफेस्टो की चर्चा पूरे देश के अंदर है और बीजेपी के मैनिफेस्टो में सारी बातें वो गायब कर दी जो पहले वादे किए थे। ना ब्लैक मनी लाए, ना काला धन तो आई नहीं, ऊपर से नोटबंदी करके सबको लाइन में खड़ा कर दिया, सबके बिजनेस ठप हो गए, कई लोग तो नौकरियों से निकाल दिए गए क्योंकि काम धंधे चल नहीं रहे। ना 2 करोड़ नौजवान नौकरी देंगे, वो वादा पूरा मोदी जी का। ना महंगाई कम हुई, जुमलेबाजी बहुत हुई है पर ना 15 लाख रुपये खाते में आया किसी के। पिछली बार बहुत मोदी 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 करके वो एक माहौल बन गया और वो स्थिति नहीं रही है। अब लोग समझ गए असलियत क्या है, कहने की और बात है, करने की और बात होती है। अब वो कभी चुनाव होते राम मंदिर की बात आती है, चुनाव हिंदू की बात आती है, क्या हम लोग हिंदू नहीं यहाँ बैठे हुए लोग, क्या बीजेपी का जेंडर ले तभी हिंदू कहलाएंगे। सेना का पराक्रम शौर्य पूरा देश नमन करता है सेनाओं की बहादुरी को। और आज नहीं आज़ादी के बाद में, चाहे 62 का युद्ध हुआ चाइना के साथ में तभी हमारे लोग शहीद हुए, 65 की लड़ाई थी पाकिस्तान के साथ में, लाल बहादुर शास्त्री जी थे प्रधानमंत्री, जय जवान जय किसान का नारा दिया उन्होंने, तभी पूरा मुल्क जो है सैनिकों को सलाम करता था, उनकी बहादुरी को नमन करता था। 71 में इंदिरा गांधी जी के वक्त में फौजों ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश का उदय हुआ और 93,000 उनके कर्नल जनरल मेजर सैनिकों के हथियार सहित उनको सरेंडर करवा दिया आर्मी ने अपने सामने। विश्व में ऐसा इतिहास कहीं देखने को नहीं मिलता है, वो काम हमारी फौजों ने किया, हमें उन पर गर्व है। पर किसी प्रधानमंत्री ने नहीं कहा कि ये मैंने किया है, सब कहते फौजों ने किया है और फौजों को गर्व होना चाहिए पूरे देश को। सर्जिकली सही होती है, हम लोग सलाम करते हैं उनको कि भाई आप लोग जान हथेली में रख करके देश की रक्षा कर रहे हो। पर जो मोदी जी की स्टाइल है वो समझ के परे है, जिस प्रकार वो बोलते हैं उपग्रह छोड़ा गया हो तो जैसे मोदी जी ने छोड़ दिया हो, सर्जिकली सही की हो तो उनका श्रेय लेना चाहेंगे। चुनाव जीतने के लिए आप सेना का नाम ले तो अच्छी बात नहीं है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी कह रहे हैं ये मोदी सेना है, आप बता दीजिए लोकतंत्र में सेनाओं का काम अलग है, देश की रक्षा करने का काम है। हमारे देश की सेनाओं ने कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया राज के अंदर, तब जाकर के वोटों का राज जो आपको दिया हुआ है, कांग्रेस का दिया हुआ है। जब आप बैठे मीटिंग करते हैं आपके दरबार में, आप माई बाप हो, सबकी बात सुन के, सब पार्टियों की बात सुन के आप फिर वोट देते हो। ये व्यवस्था 70 साल के बाद में कायम रही है देश के अंदर। पाकिस्तान हमारे साथ आजाद हुआ, वहाँ ये व्यवस्था खत्म हो गई। बार बार कई बार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जेल में जाते हैं, जुल्फिकार अली भुट्टो थे वहाँ के प्रधानमंत्री भी रहे, उनको फांसी पर लटका दिया। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि कांग्रेस के कारण से आज आधुनिक भारत बना, कांग्रेस के कारण एक रहा अखंड रहा देश,
सुई नहीं बनती थी यहाँ पर, बिजली क्या होती लोग समझते नहीं थे, आज सब कुछ मुल्क में होता है। इंदिरा गांधी ने खालिस्तान नहीं बनने दिया पंजाब को, जान की बाजी लगा दी अपनी, वो भी शहीद हो गई, और सरदार बहन चीनी थे मुख्यमंत्री पंजाब के, वो भी शहीद हो गए, पर आतंकवाद खात्मा कर दिया। कभी मोदी जी की मुझे सुना ही बातें आपने? अरे आप देश के प्रधानमंत्री हो, पूर्व प्रधानमंत्रियों की अच्छाई तो बोलो कि उन्होंने कुछ किया था देश को। 70 साल में कुछ नहीं किया कांग्रेस ने, सब कुछ मोदी जी ने किया 5 साल के अंदर। सिरोही जिला पहले क्या था, 70 साल पहले क्या था, आज क्या है? बिजली घर घर पहुंच गई, कुओं में पहुंच गई, सड़कों का जाल बिछ गया, हेल्थ सेंटर खुल गए, स्वास्थ्य के PHC सब सेंटर, CHC अस्पताल खुल गए सरकारी, पानी की योजनाएं आ गई गांव गांव में, पानी हो चाहे बिजली हो चाहे शिक्षा हो, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय, सड़कें हो चाहे स्वास्थ्य हो, आज जो कुछ ढांचा खड़ा हुआ है कांग्रेस के 70 साल की देन है, 5 साल की देन नहीं। मोदी जी किस प्रकार बात करते हैं आप? ये तोहिन है इस देश के मजदूरों की, डॉक्टरों की, इंजीनियरों की, किसानों की, जिसने 70 साल में इस मुल्क को बनाया है, ये मैं कह सकता हूं आपको। मोदी जी को कोई अधिकार नहीं इस प्रकार से बोलने का 70 साल में क्या हुआ। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आपको कि आप सबके सामने उपलब्धि क्या हुई है 70 साल के अंदर। इंदिरा गांधी ने अपनी जान दे दी, त्याग किया, शहीद हो गई देश के लिए, और जान जाने के पहले, मरने के पहले उन्होंने एक दिन पहले ही कहा उड़ीसा के अंदर, देशवासियों मेरी जान जा सकती है, और मेरी जान जाएगी। एक महिला थी वो प्रधानमंत्री के रूप में, महिलाओं का मान सम्मान बड़ा है दुनिया में, उन्होंने कहा एक जान मेरी जाएगी तो मेरे खून का एक एक कतरा, एक एक बूंद देश को मजबूती प्रदान करेगा, ये कहा था इंदिरा गांधी ने कहा था। और क्या बातें कर रही लोग, क्या बलिदान ऐसे ही चला गया देश के लिए किसी नेता का? राजीव गांधी शहीद हो गए, नौजवान थे, प्रधानमंत्री बनने वाले दूसरी बार, वो शहीद हो गए देश के लिए। तो मोदी जी आपको घमंड नहीं होना चाहिए था, आप चुनाव जरूर जीते पिछली बार, पर मैं आप सबको कहना चाहूंगा 100 में से 31 वोट पड़े थे मोदी जी पक्ष के अंदर, उस पक्ष में भी 69 वोट पड़े थे उनके खिलाफ में पड़े थे देश के अंदर, ये नहीं भूलना चाहिए था उनको। आज लोकतंत्र में विपक्षी पार्टियों को आलोचना करने का अधिकार है, आम जनता को अधिकार है प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की, MLA MP मंत्री किसी की आलोचना कर सकता है, और हमारा फर्ज है अगर हमें कोई हमारी कोई निंदा भी करे आलोचना करे, हम देखते हैं कि इसकी बात में कितना दम है, ये कोई बात सुझाव दे रहा अच्छा दे रहा है, तो हमें कोई गुस्से होने की बजाय उसकी बात सुन करके हमें जनहित के अंदर उसके पक्ष में फैसला करना चाहिए। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र ये नहीं है कि आपने आलोचना क्यों कर दी, देश दुनिया का मुकदमा बना दो आप, जो आज हो रहा देश के अंदर हो रहा है। इसलिए मैं आपको अपील करना चाहूंगा कि बातें बहुत सारी करने को है, चुनाव के बाद में फिर मिलेंगे, अभी आपको मैं आह्वान करूंगा कि आप सब मिलकर के रतन देवासी को कमी नहीं रखें, एक एक वोट का सवाल है, इनको हम आशीर्वाद दें, इनको कामयाब करें, और कड़ी से कड़ी जोड़े आप लोग, सरकार बनी है राजस्थान में, आपका एक वोट 3 महीने पुरानी सरकार को मजबूती प्रदान करेगा, जिसका मुख्यमंत्री मैं खुद हूं, हम लोग सब मजबूत होंगे उसके कारण से। सरकार मजबूत होती है तो 5.5 साल बचेंगे हमारे पास में, 5.5 साल में कोई कमी नहीं आने देंगे, ये मैं आपसे वादा कर सकता हूँ, कोई कमी नहीं आने देंगे। कई जिलों में अकाल पड़ा हुआ है, कई जगह भी ओलावृष्टि हो गई, बराबर मैं मीटिंग ले रहा हूँ, चारे का प्रबंधन करना हो चाहे वो पानी का प्रबंधन करना हो, पानी की बहुत भयंकर किल्लत है, अभी पानी का अकाल बहुत भयंकर पड़ गया राजस्थान के अंदर, वो चिंता बहुत सता रही है हम लोगों को। टैंकर के वर्क ऑर्डर दे दिए हमने ठेका करके, ट्यूबवेल हैंडपंप खुद रहे हैं, पर पानी की किल्लत है उसको कम करने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हम लोग कोई कमी आने देंगे नहीं आपके लिए, जो आपकी मांगे होगी
वो हम लोग पूरी निभाएंगे, विकास में कोई कमी आने देंगे नहीं। और मैं आपको फिर कहना चाहूंगा, धनबल उनके पास बहुत ज्यादा है। नोटबंदी के बाद में जो लूटा देश को, नोटबंदी अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कैम है। आज बीजेपी के पास पैसे की कमी नहीं है, बड़े बड़े इनके पांच सितारा होटलों की तरह ऑफिस बन रहे हैं, इनका चाल चरित्र चेहरा सामने आ गया, देश के सामने आ चुका है। आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग हकीकत को समझें, सत्य कांग्रेस के पास साथ में, राहुल गांधी के साथ में। राहुल गांधी कहते हैं प्रेम से भाईचारे से राजनीति करो, हमारी कोई दुश्मनी किसी से नहीं है। और राहुल गांधी कहते हैं कि हम अपनी बात कहें, आप अपनी बात को जनता को कहो, जनता फैसला करे। पर जिस प्रकार का माहौल बना दिया मोदी जी ने और चुनाव जीतना चाहते हैं असत्य बोल करके, वो हमें मंजूर नहीं है। ये बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। हेलो, हमारे सिरोही के पूर्व प्रधान मोती सिंह जी देवड़ा साहब से अनुरोध करेंगे कि वे सबका धन्यवाद ज्ञापित करें। लोकसभा की रतन भाई देवासी के इलेक्शन के अंदर इनकी मदद और यहाँ पे पधारे हुए समस्त गांव गांव से और डानी डानी से भाइयों और बहनों को धन्यवाद अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।